क्या हो गया? अरे मैं जानती तो तुझे इस बगिया में भेजती नहीं। बोली भैया मुझे नहीं मालूम था कि पुष्पों में काला नाग बैठा हुआ है। उसी काले नाग ने मुझे रस लिया है भैया। आज बुरी तरीका से मैया तारा गुलाम कर रही है, कोई नहीं है बगिया में। रोहतास कहने लगे, मैया अरे रोआ नहीं, इस संसार में जो आया है एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, और तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम खुद रो रही हो और हमें भी रुला रही हो। मैया रो नहीं तो आज रोहतास बोले हैं, सुनो मैया क्यों रही है माता तुम मेरो बदन अब कसी गो जब फूल में बिछिया तो मोको तो मैया डसियो। मैया मुझे नहीं मालूम था, लीनो जन्म सो मरत है ये दिल तिर में दीदियो एक बार पुचकार की मैं गोद मैया लीजियो। मैया रो नहीं, तारा कहने लगी बेटा भला एक पुत्र के बगैर माँ कैसे रह सकती है? और तू मेरे सामने ही जा रहा है, मैं मर जाऊंगी तेरे बगैर ये जीवन व्यतीत नहीं होगा बेटा। तेरे बिछुड़न काम पे अरे दुख का सो नहीं जाए, रात दिन डकराऊंगी हम अपन बछड़ा बिंदा। लाला तेरे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी, बछड़ा बिनियों गाई सुतवन मात यूं बिलखाती है गोदी सचिन के सुतगो क्या बच सकत वो मात है। लाला मैं हूँ अभागिन पापिनी नहीं काल को खा तुए पालो पनासो लाल मेरो तोता उड़ो मेरो जा तू है। लाला तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगी। रोहतास कहने लगे, भैया
शरीर में अब ज्यादा शक्ति नहीं है जो हम तुमसे कुछ कह सके, लेकिन अब इतना ही है। जननी मोसर कहे मैया से काहे के मार रो नहीं, मेरे प्राण शरीर से निकल रहे हैं। आज मैया पछार खा करके जिस समय गिर जाती है, आज जैसे ही रोहदास ने जगाया तो उस समय मैया जैसे ही उठी तो रोहदास के प्राण शरीर से निकल चुके थे। आज मैया एकदम से वहां पर विलाप कर रही है, बुरी तरीका से रो रही है, विचार कर रही लहला अब तेरे बगैर कैसे जी पाऊंगी, मैं अगर जानती तो तुझे फूल लेने के लिए बगिया में नहीं भेजती। अरे मैंने तो तुझे फूल लेने के लिए भेजा था, लेकिन ये क्या हुआ, आज मैया विलाप कर रही है। अरे फूलन को आयो
बराबरी तरीका से मैया विलाप कर रही है। और कोई नहीं है बगिया में, माली आया कहने लगा बहन अरे अपने पुत्र को ले जा, तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया, लहस खराब हो जाएगी। आज मैया तारा विलाप कर रही है,